नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी फ्रेंड्स, और आपका मैं स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं बात करूंगा, कंपेयर करूंगा। बेसिकली क्या कंपेयर करूंगा, आई विल कंपेयर द पावर्स ऑफ द इंडियन सुप्रीम कोर्ट एंड द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। इन दोनों का कंपेरिजन होगा एक बहुत ही कम टाइम में। मैं बताने की कोशिश करूंगा कि इन दोनों में क्या फर्क है। तो सबसे पहला देखिए, इंडियन सुप्रीम कोर्ट की बात करें ना, तो जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, इट इज लिमिटेड टू फेडरल केसेस ओनली। फेडरल केसेस कौन कौन से हो गए यहाँ पे, कि अगर सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो गया, या फिर एक साइड पे एक स्टेट है दूसरी साइड पे दूसरा स्टेट है इसमें डिस्प्यूट हो गया, या फिर मान लीजिए एक साइड पे एक सेंटर और कुछ स्टेट्स और दूसरी साइड पे कुछ ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैं इसमें डिस्प्यूट हो गया, तो इस तरीके के फेडरल केसेस में ही आपका इंडियन सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन आता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, मैंने इस पे एक अलग से वीडियो बनाई है, ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। रिट ज्यूरिसडिक्शन पे भी है, एडवाइजरी पे भी है, एपेलेट पे भी है, ओरिजिनल पे भी, आप जाके मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट देख लीजिए इंडियन पॉलिटी की, उसमें आपको मिल जाएंगी। अगर हम बात करें अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की, तो देखिए अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास फेडरल केसेस में तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है ही है, प्लस कुछ और केसेस में भी उसके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आ जाता है, जैसे नेवल फोर्सेस में आ जाता है, मैरीटाइम एक्टिविटीज में आ जाता है, एम्बेसडर्स में भी आ जाता है, इन सब चीजों में भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आ जाता है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन आपको पता है कि इंडिया में मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स हैं, तो मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स की अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट वॉयलेट नहीं करता है, ये मैंने अपनी पहले की वीडियोज में आपको बताया है। आगे आते हैं, जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट का जो एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है, एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, ज्यूरिसडिक्शन बाय वे ऑफ अपील। अपील मतलब किसी एक कोर्ट में कोई ऑर्डर आ गया और उस ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील फाइल हुई। तो जो सुप्रीम कोर्ट का एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है वो सिविल केसेस में भी होता है, क्रिमिनल केसेस में भी होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में भी होता है, तीनों में होता है। लेकिन जहां हम बात कर लेते हैं इसकी अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की, तो इसका जो एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है इट इज कॉन्फाइंड ओनली टू कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, ठीक है, वो केवल कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को कन्फाइंड है। किसका, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन। उसका ज्यूरिसडिक्शन सिविल और क्रिमिनल केसेस पे क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता है कि जो अमेरिका की जो जुडिशरी है दैट इज नॉट इंटीग्रेटेड जुडिशरी। अमेरिका की जुडिशरी इज अ बाइफर्केटेड जुडिशरी, ठीक है, तो बाइफर्केटेड होने की वजह से उनके फेडरल कोर्ट्स अलग हैं, उनके स्टेट कोर्ट्स अलग है। तो जो उनके स्टेट कोर्ट्स हैं वो अपना जो उनका एरिया ऑफ गवर्नेंस है और एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें वो सर्वे सर्वा है, उसमें वो कुछ भी कर सकते हैं। क्रिमिनल सिविल केसेस में उन्हीं की चलती है और उसके अगेंस्ट अपील आपके फेडरल कोर्ट पे नहीं जाती है। लेकिन वो जो स्टेट वाले केस हैं वो केवल अपने स्टेट के रूल्स और लॉस के रिलेटेड में देख सकते हैं, वो ओवरऑल फेडरल लेवल के सब्जेक्ट्स पे नहीं देखते, नहीं इंटरफेयर करते। इंडिया में क्या है कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में भी जाएगा, फेडरल में भी जाएगा, सिविल में भी जाएगा, क्रिमिनल में भी जाएगा। अमेरिका का जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड नहीं, उसके फेडरल कोर्ट अलग है। तो जो उसका फेडरल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है इट इज ओनली लिमिटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस या फिर फेडरल केसेस एंड नॉट टू द सिविल एंड क्रिमिनल विच लाइज विद द स्टेट कोर्ट्स ओनली। आगे इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का एक आपने सुना होगा स्पेशल लीव, ठीक है, अपील बाय स्पेशल लीव, मैंने अपने वीडियो में समझाया आपको, आप मेरी ओरिजिनल और एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन वाला वीडियो देखिए जाके, उसमें आपको मिलेगा ये। तो जो लीव बाय स्पेशल, इसमें क्या है कि बहुत वाइड डिस्क्रिप्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास। इसमें क्या होता है, जो स्पेशल जो अपील बाय स्पेशल लीव होता है सुप्रीम कोर्ट का, इसमें यह कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी ट्राइब्यूनल का या किसी भी कोर्ट का ऑल ओवर इंडिया में कोई भी जजमेंट आया हो उस जजमेंट के खिलाफ एक अपील को इंटरटेन कर सकता है। किसमें, अपील बाय स्पेशल लीव के अंडर। याद रखिएगा, वो अपील बाय स्पेशल लीव के अंडर में केवल एक कोर्ट के ऑर्डर्स के अगेंस्ट की अपील को एंटरटेन नहीं कर सकता, वो होते हैं मिलिट्री ट्राइब्यूनल। मिलिट्री ट्राइब्यूनल के ऑर्डर्स के अगेंस्ट की अपील को वो एंटरटेन नहीं कर सकता है। बाकी हमारे देश में जितने भी ट्राइब्यूनल्स हैं, जितने भी कोर्ट्स हैं, उसमें जो भी डिसीजन आए हैं, अगर उनके अगेंस्ट में अपील को स्पेशल लीव के अंदर में फाइल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसे एंटरटेन कर सकता है अपनी डिस्क्रिशनरी पावर के अंडर में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि दैट इज इट इज अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर, सो शुड बी यूज्ड अंडर वेरी कॉशियस सर्कमस्टांस। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है। आगे आते हैं, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 143 में मैंने जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें मैंने एक बिल्कुल अलग से वीडियो बनाई, आप जाके उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के पास कोई एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता है। उसके बाद आ जाते हैं कि जो इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है, इसका जो स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू है ये लिमिटेड है, और जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है उसका जो स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू है वो बहुत ज्यादा वाइड है। यानी अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहते हैं कि आपके जो फेडरल केसेस में जो एग्जीक्यूटिव लॉज बनाता है उसको भी नलीफाई कर सकता है, उसका जुडिशियल रिव्यू का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा है अमेरिका में, इंडिया का थोड़ा सा कम है।
ठीक है। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि जो स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू है इंडियन सुप्रीम कोर्ट का, वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे डोमेन्स में अब घुस रही है, और बहुत सारे ऐसे उसके मतलब इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको बोलते हैं ना जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल टेररिज्म भी आजकल कभी कभी बोला जाता है। तो उस चक्कर में कहा जाता है कि वो अपनी जुडिशियल रिव्यू की पावर को बहुत तेजी से बढ़ा रही है, हालांकि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से उसकी पावर बहुत कम है। किसकी? जुडिशियल रिव्यू। तो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है वो डिफेंड करता है राइट ऑफ द सिटीजन्स किसके अंदर में, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और जो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है वो किसमें करता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, फ्रेंड्स इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये बोलता है कोई लॉ बनाया गया, कोई प्रॉपर तरीके से लॉ बनाया गया, कोई पॉलिसी बनाया गया, और अगर उस पॉलिसी के हिसाब से काम किया जा रहा है तो वो काम सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर डेथ कैपिटल पनिशमेंट की बात की जाए तो कैपिटल पनिशमेंट के लिए एक प्रॉपर पॉलिसी बनाई गई, और उस पॉलिसी के हिसाब से, उस लॉ के हिसाब से अगर किसी को डेथ पनिशमेंट दिया जा रहा है तो वो गलत नहीं है। ये क्या है? ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या बोलता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ तो आ ही जाता है, यानी कि एक प्रोसीजर के हिसाब बना के उसके हिसाब से काम करना, ये तो आ ही जाता है। प्लस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ये भी कंसिडरेशन दिया जाता है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं क्या वो फेयर है, क्या वो जस्ट है, क्या वो आर्बिट्रेरी तो नहीं है। तो आप बस ये समझ लीजिए कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस लॉ में इतना ही फर्क है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में प्रोसीजर के हिसाब से आपको काम करना है, चाहे वो सही हो या गलत हो। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में प्रोसीजर के हिसाब से तो आप काम करना ही है, यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ तो आ ही जाएगा, प्लस ये भी देखा जाएगा कि वो चीज फेयर है, जस्ट है। यानी आप कह सकते हो कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज इक्वल टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ प्लस फेयर एंड राइट, फेयर एंड राइट कंसिडरेशन एंड द प्रोसेस शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में ये चीजें एक्स्ट्रा आ जाती हैं। प्रोसीजर एस्टेब्लिश में केवल रूल्स, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में रूल्स के साथ साथ फेयर होना चाहिए, सही होना चाहिए, आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है, जो पावर्स हैं, उनको कर्टेल नहीं किया जा सकता, लेकिन उनको बढ़ाया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। लेकिन जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन ऑफ पावर्स है वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर क्लियर लिखी है, ना तो वो घटाई जा सकती है ना बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो इंडियन सुप्रीम कोर्ट की पावर को पार्लियामेंट कम नहीं कर सकती लेकिन बढ़ा सकती है। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की पावर को वहां का, अब देखिए वहां पे जो है वो ना कम की जा सकती ना ज्यादा की जा सकती है, वहां के सुप्रीम कोर्ट की पावर क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे देश में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, तो हमारे इंटीग्रेटेड जुडिशरी की एपेक्स लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है, यानी हाई कोर्ट और जितने भी सबॉर्डिनेट कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही अंदर काम करते हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या, ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट, सबॉर्डिनेट में डिस्ट्रिक्ट आ गया, सेशंस आ गया, नीचे और कुछ कोर्ट्स आ गए। लेकिन आपका जब अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की बात होती है तो वो एक फेडरल कोर्ट है और उनके स्टेट कोर्ट्स अलग हैं। तो जो फेडरल कोर्ट है वो स्टेट कोर्ट्स के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं रखते, फेडरल अलग है, स्टेट अलग है। तो फ्रेंड्स ये डिफरेंसेस थे कुछ इंडियन सुप्रीम कोर्ट के, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के। आई होप ये वीडियो आपको मदद करी होगी, अगर मदद की है तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बताइएगा फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, कुछ इंप्रूवमेंट करने तो उसके बारे में भी बताइए फ्रेंड्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बींग वेरी वेरी पेशेंट विद मी, हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।